नमस्कार दोस्तों, आपको आज आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ यहाँ पे इंडिया के पहले 5G स्मार्टफोन के बारे में। यहाँ पे दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि Realme X50 Pro जो है वो यहाँ पे 24 फरवरी के अंदर इंडिया में लॉन्च होने वाला है, और इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये बेसिकली है इंडिया का पहला 5G स्मार्टफोन। अब इसके अंदर आपको क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। ऑफिशियली कुछ स्पेसिफिकेशन बाहर निकल के आए तो एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले इसका जो प्रोसेसर है वो होने वाला है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 लेटेस्ट फ्लैगशिप प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको इनबिल्ट 5G, इनबिल्ट तो नहीं लेकिन हाँ आपको अलग से एक 5G मॉडेम की ज़रूरत है, लेकिन जो भी कहो घुमा फिरा के आपको इसके अंदर 5G का सपोर्ट मिल जाता है प्रोसेसर के अंदर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ कैमरा को लेकर, तो टोटल में आपको 6 कैमरा देखने को मिल जाएगा रियलमी X50 प्रो के अंदर, जहाँ पे पीछे आपको 4 कैमरा मिलेगा और सामने आपको 2 कैमरा मिलेगा। अब पीछे का मुझे सेटअप तो नहीं पता कि कौन से आपको सेंसर्स मिलेगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि आपको प्राइमरी 64 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाए, या फिर सोनी IMX686 वाला भी सेंसर हो सकता है जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ था, सोनी ने रिसेंटली लॉन्च किया था 60 मेगापिक्सल का, तो वो भी हो सकता है एज अ प्राइमरी सेंसर। और सेकेंडरी कैमरा यहाँ पे हो सकता है एक अल्ट्रा वाइड एंगल, थर्ड कैमरा यहाँ पे हो सकता है एक डेप्थ सेंसर, और अगर यहाँ पे 20x जूम हाइब्रिड होता है तो ऑब्वियसली आपको एक टेलीफोटो लेंस मिलेगा, या फिर आपको कुछ और भी मिल सकता है। जो भी है आपको पीछे की तरफ 4 कैमरा मिल जाता है और साथ में आपको 20x जूम का भी सपोर्ट मिल जाता है। अब मुझे नहीं पता कि ये ऑप्टिकल है या फिर हाइब्रिड है या फिर डिजिटल है, जो भी होगा वो तो जब फोन लॉन्च होगा तभी पता चलेगा। लेकिन मैं अगर आपसे बात करता हूँ सामने की तरफ फ्रंट कैमरे के बारे में, तो फ्रंट में भी आपको 2 कैमरा मिलने वाला है, जहाँ पे पहला होगा प्राइमरी सेंसर जिसके बारे में मुझे नहीं पता कौन से मेगापिक्सल के साथ आपको मिलेगा, चांसेस है कि 32 मेगापिक्सल आ सकता है। और जो दूसरा सेंसर है वो यहाँ पे होने वाला है एक अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर। अब ये काफ़ी अच्छी बात है यार, क्योंकि जो भी स्मार्टफोन के अंदर आपको डुअल सेंसर मिलता है ना, उसमें से एक तो प्राइमरी होता है और दूसरा पोर्ट्रेट होता है, मतलब डेप्थ सेंसर होता है। लेकिन रियलमी के अंदर, मतलब रियलमी X50 प्रो के अंदर आपको अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर मिल जाएगा सेल्फी के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों मैं अगर आपसे बात करता हूँ बैटरी को लेकर, तो बैटरी के कैपेसिटी के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ चार्जर के बारे में पता है। यहाँ पे आपको 65 वाट का सुपर डार्ट चार्जर मिल जाता है। अब आउट ऑफ द बॉक्स है कि नहीं है वो नहीं पता, लेकिन हाँ सपोर्ट करता है 65 वाट तक चार्जिंग, मतलब काफ़ी ज़्यादा फास्ट आपके फ़ोन को ये चार्ज कर देगा। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले को लेके, तो स्क्रीन साइज़ के बारे में नहीं पता, चांसेस है कि 6.5 या फिर 6.7 इंच का आपको स्क्रीन मिलेगा फुल HD प्लस वाली या फिर 2K वाली, मुझे नहीं पता, बस एक गेस कर रहा हूँ। लेकिन सुपर एमोलेड डिस्प्ले आपको मिलेगा कन्फर्म है, और साथ में 90Hz का आपको रिफ्रेश रेट भी मिल जाएगा, ये भी कन्फर्म है। ठीक है, बस स्क्रीन साइज़ और रेजोल्यूशन के बारे में मुझे नहीं पता, वो बस मैं गेस कर रहा था कि हाँ हो सकता है 2K मिल जाए, लेकिन क्या पता फुल HD दे दे। यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं कुछ और फीचर को लेके, तो यहाँ पे इस फोन में Realme X50 Pro में आपको डुअल 5G का भी सपोर्ट मिल जाता है, डुअल मोड 5G। अब ये डुअल मोड 5G क्या है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि डुअल 4G डुअल वोल्टी होता है, वैसे ही सेम डुअल 5G का भी आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल जाएगा, मतलब एक ही साथ एक ही टाइम पे आप 2 5G सिम को इस फोन में यूज़ कर सकते हो। तो ये एक स्पेशल फीचर जो कि आपको इसमें मिल जाता है, और जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा भी बहुत कुछ पता चलने वाला है, जो भी पता चलेगा मैं आपको कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा। और 24 फरवरी को देखते हैं कि रियलमी X50 प्रो लॉन्च इवेंट में आखिर क्या लॉन्च करते हैं रियलमी वाले, साथ में यार हो सकता है रियलमी का जो लिंक ऐप है वो भी आ जाए, जो भी होगा मैं आपको उसी दिन बताऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए हमेशा स्मार्ट रहिए।